हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सतीश और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। लास्ट वीडियोस में हमने कवर अप किया था आपका एंशिएंट वाला पार्ट। ओके, एंशिएंट वाला जितना भी हिस्ट्री का पार्ट था आपका कश्मीर हिस्ट्री का, वो हमने कवर किया। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आपका मेडिवल वाला पार्ट। ऑलराइट, मेडिवल हिस्ट्री में जितनी भी डायनेस्टीज रही, जितने भी रूल्स रहे, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत इजी वे में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। और आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन बेसिकली किसी ने कमेंट्स के थ्रू पूछा था कि सर आप जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहे हो वो ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हो। तो बेसिकली उस स्टूडेंट को और ये कन्फ्यूजन अगर बाकी स्टूडेंट्स को भी है तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट और एक टीचर में यही फर्क होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट और टीचर में यही फर्क होता है कि एक स्टूडेंट को सभी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन टीचर जब भी कभी काम करता है वो हमेशा फैक्ट्स के बिहाफ पे आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि एक टीचर का जो मेन रोल होता है वो होता है कि अगर आपकी 6 मंथ्स का जो सिलेबस है, ठीक है, जो आपको खुद 6 मंथ्स लगेंगे कवर अप करने में, वो एक टीचर आपको हेल्प करता है उसको 2 या 3 महीने में कवर करने कराने में। क्यों? क्योंकि टीचर को ये पता है कि एग्जाम में क्या चीजें पूछी जाती है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के अगर आप मतलब जम्मू कश्मीर के अगर आप कोई 3-4 बुक्स अगर आप मार्केट से लाते हो ना, और इन 3-4 बुक्स में से अगर आप कंपेयर करोगे तो एटलीस्ट 30-40% डाटा मैच ही नहीं करेगा आपस में। तो फिर आप वहां सोचोगे कि व्हाट्स अ रियलिटी बिहाइंड इट। एक्चुअल में क्या है कि जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सर्टेनिटी के बेस पे पूछे जाते हैं, मतलब जो डेफिनेट होती हैं चीजें, जो डेफिनेट चीजें होती हैं उनके बिहाफ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे किसी ने एक क्वेश्चन लिखा था कि सर जो मतलब गोनंदा वन जो थे उनको कृष्ण जी ने नहीं बल्कि उनको बलराम ने मारा था। देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे किसी ने बोला था। देखो, हमने जितनी बुक्स में देखा वहां पे कुछ बुक्स में लिखा है किल्ड बाय कृष्णा, कुछ बुक्स में लिखा है ही वॉज किल्ड इन द महाभारत वॉर। तो अब बेसिकली ये अनसर्टेन चीज है, मतलब नोबडी नोज अबाउट रियल थिंग कि किन के द्वारा वो मारा गया। और इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वॉज द सन ऑफ गोनंदा वन। ओके, इस तरह के क्वेश्चन जो डेफिनेट होते हैं, जिनके आंसर डेफिनेट होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको जितनी भी चीजें मैं इस लेक्चर में कवर अप करवा रहा हूं आपको सिर्फ इतना ही करना है। ओके, सिर्फ इतना ही करना है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, और आपके पूरे फुल मार्क्स इसी में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, क्योंकि लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे सो दैट कि जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपको बिल्कुल उसी तरह से जो कवर अप है वो करवा रहा हूं। देखिए, ये कंफ्यूजन रहती है बच्चों को बहुत ज्यादा, सो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे आज के जो हमारा लेक्चर है, मेन मेडिवल वाला जो पार्ट है हमारा हिस्ट्री का, वो हम कवर करने वाले हैं। लेकिन बिफोर स्टार्ट दिस मेडिवल पार्ट आई वांट टू से वन थिंग कि हम लोग एंशिएंट में जो किया था वो आपको बता देता हूँ अगेन, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने जो डायनेस्टीज पढ़ी, ठीक है, आप सभी को पता होगा डायनेस्टी जो पढ़ी वो पहला पढ़ा हमने महाभारत पीरियड, ठीक है, उसके बाद हमने मौर्यन पीरियड पढ़ा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देन उसके बाद हमने कुषाण डायनेस्टी को पढ़ा, देन उसके बाद हमने करकोटा डायनेस्टी को पढ़ा, ठीक है, करकोटा डायनेस्टी को पढ़ा। और तो इसी तरह से ये सारे के सारे मैंने बहुत ब्रीफ और इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके,
तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इसकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, बहुत जल्द हम लोग अपने पेड वाले जो बैच में उसको स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मेडिवल वाला पोर्शन, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ओके, सो मेडिवल में जो डायनेस्टीज आती हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, मेडिवल पीरियड में जो पहला रूल, ठीक है, मेडिवल पीरियड में दो लोगों का रूल रहा है, ठीक है, फर्स्ट हाफ सेंचुरी आप कह सकते हो, फर्स्ट टाइम जो रहा है वो हिंदू रूल रहा है इसमें। वेट, ठीक है, पहला जो रूल रहा वो हिंदू रूल रहा, ठीक है, पहली चार डायनेस्टीज जो हुई हिंदू रूल रहा, देन उसके बाद मुस्लिम रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री थोड़ी लंबी है, ठीक है, इसको धीरे धीरे करेंगे सो दैट कि आपके माइंड में ये बैठ जाए। ओके, अब हिंदू रूल में जो सबसे पहले जो मतलब रूलर रहे हैं, इसमें जो पहले डायनेस्टी रही है हिंदू रूल में, वो थी आपकी उत्पाला डायनेस्टी, ठीक है, उत्पाला डायनेस्टी, ठीक है, उत्पाला, UTPALA, ओके, उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई वो थी आपकी गुप्ता डायनेस्टी। कौन सी? गुप्ता डायनेस्टी। ओके, गुप्ता डायनेस्टी के बाद आती है बारी आपकी लोहारा डायनेस्टी की। ओके, लोहारा डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है वो आती है आपकी देव डायनेस्टी। ओके, कौन सी आती है? देव डायनेस्टी। उसके बाद इस डायनेस्टीज के बाद, एक सेकेंड, मैं आपको यहां से इसको इरेज कर देता हूं। ओके, उसके बाद मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ। मुस्लिम रूल की अगर हम बात करें तो मुस्लिम रूल में सबसे पहले जो आए वो थे आपके, मतलब जिनका शुरू होगा वो थे शामीर डायनेस्टी। ओके, शामीर डायनेस्टी के बाद आती है शिहाब उद्दीन। ओके, स्पेलिंग देख लेना आप। उसके बाद जो रूल आया वो आया कुतुब उद्दीन, कुतुब उद्दीन। इनके बाद रूल आता है सिकंदर का। किनका? सिकंदर का। उसके बाद रूल आता है जैन उल अबिदीन, ठीक है, जैनुबदीन। इनके बाद आती है आपका चक डायनेस्टी। ओके, यहां करते हैं आप, चक डायनेस्टी के बाद जो बारी आती है वो आती है आपके मुगल रूल की, ठीक है, किसकी? मुगल रूल की। और मुगल रूल के बाद लास्ट में जाके आपका जो मेडिवल खत्म होता है वो होता है अफगान, ठीक है, अफगान रूल के ऊपर। ऑलराइट, ये है आपके मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का स्ट्रक्चर। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। हमने एंशंट कवरअप किया। देखो, ये आपको चीजों का, ये जो स्ट्रक्चर मैंने प्रिपेयर किया ना, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच वाली चीजें तो मतलब वो तो रटाफिकेशन होगी, लेकिन जब तक आपको ये सीक्वेंस नहीं पता होगा आपको चीजें लर्न करने में बड़ी दिक्कत आएगी। ओके, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सो दैट कि ये आपके जहन में रहे। ओके, तो एंशंट में हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया वो किया हमारा महाभारत पीरियड से, ठीक है, महाभारत पीरियड। फिर उसके बाद मौर्यन अंपायर आ जाता है, कुषाण डायनेस्टी, करकोटा डायनेस्टी, ये चार डायनेस्टीज आती है हमारी एंशंट में। ओके, एंशंट के बाद बारी आती है हमारी मेडिवल हिस्ट्री की, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और मेडिवल हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में। पहला आता है आपका हिंदू रूल, दूसरा आ जाता है आपका मुस्लिम रूल। ओके, तो हिंदू रूल में जो डायनेस्टीज आती हैं वो सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी उत्पाला डायनेस्टी। ये यू है, UTPAL, ठीक है, उत्पाला डायनेस्टी। फर्स्ट आती है उत्पाला डायनेस्टी, दूसरे नंबर पे फिर आती है आपकी गुप्ता डायनेस्टी,
ये आपस में इंटररिलेटेड है। जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह से जैसे लोहरा डायनेस्टी स्टार्ट हुई तो ये फिर गुप्ता डायनेस्टी किस तरह से आई। थर्ड नंबर पे आता है आपका लोहरा डायनेस्टी, देन फोर्थ नंबर पे आता है आपका देव डायनेस्टी। इस तरह से ये सारे के सारे आएंगे आपके हिंदू रूल्स के अंदर। उसके बाद शुरू होता है मुस्लिम रूल, और मुस्लिम रूल में जो फर्स्ट डायनेस्टी आती है वो आती है शामी डायनेस्टी। या मैंने लिखा है, दूसरा आता है आपका साहिबुद्दीन, ठीक है, इनका रूल। देन उसके बाद कुतुबुद्दीन, उसके बाद आता है सिकंदर रूल, उसके बाद आता है जैनुल अबिदीन, ठीक है, अबदीन। फिर आता है सिक्स नंबर पे आपका चक डायनेस्टी, सेवंथ में आता है मुगल, और एट्थ पे आता है अफगान रूल। सो गाइस, इसको देख के आपको थोड़ा मतलब कंफ्यूजन या उस तरह से नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। आपको जिस तरह से हम लोग करवाते जाएंगे और ये बहुत इजी होता जाएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स वाई मैंने ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया। सो आज की वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों का उत्पाला खत्म करने की, और इसके साथ अगर वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को भी आज खत्म कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की लेक्चर की तरफ, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे हमारी फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मेडिबल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी आती है आपकी? आती है उत्पाला डायनेस्टी। सो उत्पाला डायनेस्टी में जितने भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए, जो भी फाउंडर्स थे, जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, इसमें कोई भी छूटेगा नहीं। और बहुत इजी वे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा बाद में ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो कि कोई भी डायनेस्टी होती है ऑब्वियसली उसका फाउंडर होता है। तो अगर हम बात करें उत्पाला डायनेस्टी, तो इसके जो फाउंडर है, हु इज द फाउंडर, इसके फाउंडर हैं अवंती वर्मन। अवंती वर्मन मतलब उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ने फाउंड की थी ये उत्पाला डायनेस्टी। कब की थी? इन 855 AD। और अगर हम इसके उत्पाला डायनेस्टी के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये बेसिकली 555 AD से लेकर 883 AD तक टाइम पीरियड रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पाला सॉरी अवंती वर्मन की। तो अवंती वर्मन का जो टाइम पीरियड रहा है, मतलब इस डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा है ओवर द कश्मीर, जब मतलब इनका रूल था उस टाइम पे कश्मीर में जो जो पीरियड था, दैट वाज वेरी पीसफुल एंड प्रॉस्पर पीरियड। मतलब उस टाइम पे वहां पर बहुत ही पीसफुल माहौल, पीसफुल टाइम था और लोग बहुत खुश थे। और उसके बाद बात करते हैं अवंती वर्मन ने एक टाउन जो था वो फाउंड किया, वो बनाया, और जिसका नाम रखा अवंतीपुरा। क्या रखा? अवंतीपुरा। तो लिखते हैं यहां पे अवंती अवंती वर्मन ने एक टाउन जो था, ठीक है, टाउन जो था वो फाउंड किया, ठीक है, जिसका नाम क्या था? नेम्ड एस अवंतीपुरा। अवंतीपुरा, ऑलराइट। सो अभी अगर हम बात करें तो ये जो अवंतीपुरा था ये बेसिकली जेलम रिवर जो है ना, जेलम रिवर जी, उसके रिवर के बैंक पे था, मतलब उसके किनारे पे था। ऑलराइट, और नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे मतलब जो टेम्पल्स होते हैं वो बनाए, मतलब ही बिल्ट मैनी टेम्पल्स, लेकिन उसमें से इन्होंने दो फेमस टेम्पल्स बनाए, मैं उनका नाम बताता हूं आपको। ही बिल्ट मैनी टेम्पल्स, बट जो दो फेमस टेम्पल्स है, दो फेमस जो टेम्पल्स थे जो इन्होंने फेमस टू फेमस टेम्पल्स जो इन्होंने डेडिकेट किए थे भगवान शिव और विष्णु जी को,
उनके नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला जो इसका टेम्पल था वो था अवंती, अवंतीस्वरा। क्या था? अवंती स्वरा। और दूसरा जो टेम्पल था उसका नाम था अवंती स्वामी। व्हाट? अवंती स्वामी। ओके, अब जो अवंती जो स्वरा था ये बेसिकली डेडिकेटेड था किनको? डेडिकेटेड था भगवान शिव को, और अवंती स्वामी ये था भगवान विष्णु जी को, ठीक है। ऑलराइट, और ये थे कहाँ पे? ऑब्वियसली जो इनकी मतलब जो इन्होंने टाउन बिल्ड फाउंड किया था अवंतीपुरा वहां पे। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अवंतीपुरा मतलब इस उत्पाला डायनेस्टी में एक बहुत ही ग्रेट सेज एंड इंजीनियर, ग्रेट सेज मतलब साधु इंजीनियर थे, ठीक है, जिनका नाम था सुया, ठीक है, जिनका नाम था सुया। अब बेसिकली ये जो इंजीनियर थे इन्होंने बहुत ही ज्यादा रोल जो है वो प्ले किया है ड्यूरिंग द उत्पाला डायनेस्टी। अब क्या क्या काम इन्होंने किया है चलिए डिस्कस करते हैं। पहला तो इन्होंने एक टाउन जो था वो डिजाइन किया, टाउन जो था वो डिजाइन किया, और उस टाउन का उस टाइम पे नाम था, नाम रखा सोयापुर, ठीक है। क्या रखा? सोयापुर, जिसको प्रेजेंटली बोलते हैं सोपुर। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है, इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था किसमें? इन चेक दी रेकरिंग ऑफ फ्लड एंड फेमीन्स इन कश्मीर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कश्मीर बेसिकली क्या था? कश्मीर एक बहुत बड़ी ह्यूज लेक थी। ऑलराइट, और देन उसके बाद उसको मतलब भगवान सॉरी जो कश्मीर ऋषि थे उन्होंने उनको काटा, वो बह गया। देन उसके बाद यहां कई बार बाढ़ भी आती थी और कई बार अकाल भी पड़ जाता था। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया सोया जो कि बहुत बड़े ग्रेट थे जो इंजीनियर थे, इन्होंने जो कश्मीर में जो रिपीटेड रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड रिपीटेडली जो वहां पे फ्लड्स वगैरह आते थे और फेमीन्स अकाल वगैरह जो पड़ते थे उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको उसको ठीक करने के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है, समझ आया आपको? देन उसके बाद हम बात करते हैं कि अवंती वर्मन जो थे, ठीक है, जो कि फाउंडर थे उत्पाला डायनेस्टी की, इनकी फाइनली डेथ हो गई, इट डाइड इन 1883 एडी। ओके, इनकी डेथ हो गई 1883 एडी, और इसके बाद इनके जो बेटे थे जिनका नाम था शंकरा वर्मन, क्या नाम था जिनका? ओके, जिनका नाम था शंकरा वर्मन, ठीक है, ये गद्दी पे बैठे, ठीक है, ये कश्मीर थ्रोन पे बैठे। लेकिन ये जो बंदा था कश्मीर थ्रोन पे बैठे, इनके पापा मतलब अवंती वर्मन जितने पीस लविंग पर्सन थे ये उनका बेटा बेसिकली, ये उनका सन, ठीक है, ये बेटा उतना ही ज्यादा जालिम था बेसिकली। इसने क्या किया, ये मतलब जैसे ये गद्दी पे बैठा, एक सेकेंड, जैसे ये गद्दी पे बैठा इसने सारे के सारे जितने भी इनके फादर द्वारा जितनी भी पीस पॉलिसीज थी, ठीक है, जितनी भी पीसफुल पॉलिसीज थी उनको रिमूव कर दिया, पॉलिसीज को इसने रिमूव कर दिया। एंड इन्होंने इसने क्या करना, इन्होंने टैक्स जो था वो वसूलना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम पीपल। इन्होंने क्या किया, टैक्स एक्सटॉर्टेड करना शुरू कर दिया, वसूलना शुरू कर दिया फ्रॉम पीपल। ओके, उसके बाद ही इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट ही इंट्रोड्यूस्ड,
इंस्टीट्यूशन ऑफ, इंस्टीट्यूशन ऑफ बेगर, व्हाट ही इंट्रोड्यूस इंस्टीट्यूशन ऑफ बेगर, जिसको फोर्स लेबर बोला जाता था. क्या बोला जाता था? फोर्स लेबर. ओके, अभी जैसे ही मतलब अवंती वर्मन की जो डेथ हुई, उसके बाद इनके बेटे शंकर वर्मन जो थे वो गद्दी पे बैठे. लेकिन ये इतना क्रूल था, इसकी पॉलिसीज, इसने सारी पीसफुल पॉलिसीज हटा दी, टैक्स जो था वो इम्पोज कर दिया लोगों के ऊपर. तो इन लोगों ने तंग आके मतलब इसके रजीन में फाइनली सिविल वॉर जो थी, सिविल वॉर वो स्टार्ट हो गई. सिविल वॉर स्टार्ट हो गई आफ्टर द डेथ ऑफ अवंती वर्मन. ओके, देन नेक्स्ट जो है, बेसिकली इस बंदे ने बहुत ज्यादा लड़ाइयां की, बहुत ज्यादा कॉन्क्यूस्ट किए, बट फाइनली इनकी ये इसकी डेथ हो गई. और डेथ हुई थी इसकी हजारा में, ठीक है, जो उरी के पास है बेसिकली वहां पे. ओके, तो बेसिकली शंकरा वर्मन, मैं लिख देता हूं यहां पे, वर्मन, वर्मन किल्ड इन हजारा नियर उरी. और कब हुई थी? 904 एडी में. ओके, तो इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ के बाद इनकी जो बीवी है बेसिकली, आफ्टर हिज डेथ इनकी जो वाइफ थी, ठीक है, जिनका नाम था सुगंधा. क्या नाम था? सुगंधा. वो गद्दी पे बैठे, लेकिन हुआ क्या कि इनको रिमूव कर दिया गया, इनको रिमूव कर दिया गया. और उसके बाद जो गद्दी पे बैठे उनका नाम क्या था? क्या नाम था? सूर्या वर्मन. ओके, इनको रिमूव करके गद्दी पे कौन बैठा? सूर्य वर्मन. और सूर्य वर्मन जो था ये लास्ट लास्ट रूलर था उत्पाला डायनेस्टी का, ठीक है, जिसने 939 एडी तक रूल किया. ऑलराइट, समझ आया आपको? ये है आपकी उत्पाला डायनेस्टी. ओके, डोंट वरी, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा. अभी तो मैं साथ साथ लिख रहा था, लिख के समझा रहा था आपको. लेकिन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये कि जैसे ही मतलब जैसे ही ये सूर्य मतलब सूर्य वर्मन ने मतलब रिमूव किया सुगंधा को, उसके बाद खुद गद्दी पे बैठा, इस टाइम पे काउंसिल ऑफ ब्रह्मन, ठीक है, काउंसिल ऑफ ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही थी. मतलब इसका ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी, बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही थी उस टाइम पे. और जिसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो काउंसिल के लीडर थे, काउंसिल के जो लीडर थे जिनका नाम था, मैं आपको बताता हूं, काउंसिल के जो लीडर थे लिख देता हूं, जिनका नाम था कमल वर्धना, ठीक है, इनकी लीडरशिप के अंदर, इनके लीडरशिप के अंदर जशाकर नाम का एक जशाकर नाम का एक ब्राह्मण थे, उनको थ्रोन पे बिठाया गया, ठीक है, उनको थ्रोन पे बैठाया. और इसी तरह से उत्पाला डायनेस्टी के साथ मतलब इन्हीं टाइम पीरियड में एक रूल जो था वो स्टार्ट हुआ, जिसको बोलते हैं ब्राह्मणिक रूल. क्या बोलते हैं? ब्राह्मणिक रूल, ठीक है. और ये बेसिकली ज्यादा देर तक तो नहीं रहा, ये सिर्फ 939 एडी से लेकर 948 एडी तक रहा. ओके, नेक्स्ट, हम कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा ही है. देखो ये जो जशकार
जो कि लीडर बने थे, मतलब उनको बनाया गया, थ्रोन के ऊपर बैठाया गया। फाइनली जैसे ये आए, इन्होंने जितना भी मतलब एक तो सिविल वॉर जो थी वो एंड हो गई, सिविल वॉर जो थी वो एंड हो गई, जो स्टार्ट हुई थी अभी अवंती वर्मन की डेथ के बाद, उनके बेटे के टाइम पे, ठीक है, वो बंद हो गई। उसके बाद इन्होंने जितने भी पीसफुल पॉलिसीज थी वो फिर से रिज्यूम कर दी, पीसफुल पॉलिसीज को रिज्यूम कर दिया, मतलब फिर से खुशहाली वगैरह जो थी वो आ गई। अब फाइनली इन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं, जशकार के बाद इनका जो बेटा था, ठीक है, जिनका नाम था संग्राम देव, संग्राम देव, ठीक है, वो गद्दी पे बैठे। ओके, लेकिन ये संग्राम देव का मर्डर हो गया, और मर्डर किया इन्होंने, मर्डर किया था प्रभा गुप्ता ने, प्रभा गुप्ता ने। और इस तरह से यहां से स्टार्ट होती है आप लोगों की गुप्ता डायनेस्टी। ओके, और ये जो गुप्ता डायनेस्टी है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, देखिए अब हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको पहले वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ओके, हम लोग कर रहे हैं उत्पाला डायनेस्टी। ओके, और उत्पाला डायनेस्टी में हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस किए इसमें। तो चलिए फिर से आपको मैं बताऊं, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं बताता हूं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से पॉइंट्स को याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये, ऑब्वियसली किसी भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में डायनेस्टीज में से, वो है फाउंडर, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी, सो वॉट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, दैट इज अवंती वर्मन। ओके, सो अवंती वर्मन वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। ओके, और कब ये फाउंड की गई, ये की गई 1855 AD में। ओके, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अवंती वर्मन, इनके टाइम पे जो पीरियड था वो बहुत खुशहाल था कश्मीर में। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता भाई डियर, ठीक है, लेकिन ये वर्णन करना इंपॉर्टेंट है। यहां से पता लगता है कि जो राजा था उस टाइम पे वो उसका नेचर कैसा था। ओके, लोगों के लिए उसका नेचर कैसा था। ओके, तो पीसफुल पीरियड था उस टाइम पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अवंती वर्मन ने एक टाउन जो था वो बिल्ड किया था, ठीक है, जिसका नाम था अवंतीपुरा। ओके, जो झेलम के, झेलम रिवर के किनारे पे था। ओके, देन उसके बाद अवंती वर्मन ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, जिसमें से दो फेमस टेम्पल्स हैं जिनका नाम था अवंती स्वामी और अवंती स्वरा। और जो डेडिकेटेड थे अवंती स्वामी, दैट वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, एंड अवंती, सॉरी, अवंती स्वरा जो थी वो डेडिकेटेड किया गया शिवाजी को, और अवंती स्वामी विष्णु जी के, ठीक है, ऑलराइट। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है उत्पाला डायनेस्टी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अवंती वर्मन, वो आता है ग्रेट सेज एंड इंजीनियर जिनका नाम था सुया, ठीक है, सोया। ये बेसिकली एक बहुत ग्रेट सेज और इंजीनियर थे। इन्होंने एक टाउन जो था वो डिजाइन किया था, जिसको पहले बोला जाता था सोयापुर, बट आज के टाइम पे वो प्रेजेंट इनका नाम है सोपुर। ओके, देन उसके बाद इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मतलब रहा है कंट्रोल करने के लिए, किसके ऊपर, जो रिपीट फ्लड और फेमिन्स आते थे कश्मीर में। ओके, ये मैं उत्पाला डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो उस टाइम पे फ्लड फेमिन्स जो आती थी उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इस ग्रेट सेज और ग्रेट इंजीनियर सोया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि अवंती वर्मन जो थे उनकी फिर फाइनली डेथ हो गई 1883 AD में, और इसके बाद इनके जो बेटे थे जिनका नाम था शंकरा वर्मन, वो गद्दी पे बैठे। ओके, वो कश्मीर की गद्दी पे बैठे। और नेक्स्ट क्या था कि जैसे ये बंदा बैठा वैसे ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इसने जितनी भी पीसफुल पॉलिसीज थी अपने फादर की वो रिमूव कर दी, इसने हैवी टैक्स जो था एक्सटॉर्टेड करना शुरू कर दिया, मतलब वसूलना शुरू कर दिया लोगों से। उसके बाद इसी बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था इंस्टीट्यूशन ऑफ बेगर, जिसको फोर्स लेबर भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद फाइनली मतलब इसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बट फाइनली इसकी जो डेथ हुई वो कहाँ हुई, हजारा कि हजारा में एक जगह है, वहां लड़ाई लड़ रहे थे उरी के पास, तो वहां इसकी डेथ हो गई 904 AD में, 904 AD में।
उसके बाद इनकी डेथ के बाद इनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था सुगंधा, वो गद्दी पे बैठी, लेकिन उनको रिमूव कर दिया गया। ओके, रिमूव करने के बाद कौन गद्दी पे बैठा? गद्दी पे बैठा सूर्यवर्मन। ओके, सूर्यवर्मन। और सूर्यवर्मन कौन था? ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। हु? ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। तो हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी? सो द आंसर इज सूर्यवर्मन। ओके, तो लास्ट कब? 339 AD तक। ओके, तो फाइनली क्या हुआ, जब ये सूर्यवर्मन गद्दी पे बैठा तो उस टाइम पे जो काउंसिल थी ब्राह्मण्स की, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते जा रही थी, उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता जा रहा था एरिया में, बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रही थी। तो फाइनली हुआ क्या कि मतलब जो काउंसिल थी, काउंसिल के जो लीडर थे जिनका नाम था कमलवर्धना, ठीक है, उनकी लीडरशिप के अंदर जशकार करके एक नाम है पर्सन का, उनको गद्दी पे बैठाया गया। तो जैसे ही वो गद्दी पे बैठे और इसी के साथ स्टार्ट हो गया ब्राह्मणिक रूल, ठीक है। और जो रूल रहा 339 से लेकर 948 तक। ओके, 939 से लेकर 948 AD तक क्या रहा? फिर ब्राह्मणिक रूल रहा। तो इसमें कुछ खास हुआ नहीं, बेसिकली जस्कार मतलब जिनको गद्दी पे बैठाया गया, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आए सिविल वॉर एंड हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितनी भी पीसफुल पॉलिसीज थी फिर से लागू कर दिया, वहां का पीरियड बहुत अच्छा हो गया। देन उसके बाद इनकी डेथ के बाद, ठीक है, कि दत्त के बाद इनका बेटा जिनका नाम था संग्रामदेव, वो गद्दी पे जैसे ही बैठे, जैसे ही थ्रोन पे बैठे, और उसके बाद इनके एक मिनिस्टर थे, ठीक है, इनके एक मिनिस्टर ने इनका मर्डर कर दिया, और वो मिनिस्टर का नाम था प्रव गुप्ता। यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रव गुप्ता। और जैसे ही इनका मर्डर हुआ उसके बाद स्टार्ट होता है आपका गुप्ता डायनेस्टी। ओके, क्या स्टार्ट होता है? उसके बाद स्टार्ट होता है आपका गुप्ता डायनेस्टी। सो माय डियर, ये था आपका उत्पाला डायनेस्टी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको समझ आया होगा, और इसमें जब हम MCQs करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।